गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अदिति एंड यू आर वाचिंग द अदितीज वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पर ही आपकी किचन में जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है उसके साथ पेपर स्प्रे कैसे बना सकते हैं। तो आप कई लोग सोच रहे होंगे कि पेपर स्प्रे तो हम मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है, हम पेपर स्प्रे परचेज कर तो लेते हैं बट जब हमें उसका यूज़ होता है तो हमें पता चलता है कि वो तो काम ही नहीं कर रहा। बट लेकिन जब आप खुद से ही बनाएंगे तो आप श्योर रहेंगे कि वो काम तो करने ही वाला है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें पेपर स्प्रे बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल, ये मैंने 50 ml वेजिटेबल ऑयल लिया है। उसके बाद हमें चाहिए 50 ml विनेगर, 2 teaspoon रेड चिली पाउडर, 2 to 3 gram पेपरमेंट, 2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, स्ट्रेनर एंड स्प्रे बॉटल। तो अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि हमें इसे बनाना कैसे है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में ऐड करेंगे हमारा रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर एंड पेपरमेंट। यदि आपको पेपरमेंट नहीं मिलता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर, और हम यहाँ पे वाटर इसलिए नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि जब हम वाटर डालते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो सकता है, पर विनेगर से ये ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रहता है। इसके बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देन इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है ऑयल। ऑयल से हमारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा स्टिकी बन जाता है, और जब हम ये किसी के ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये थोड़े देर तक उनकी बॉडी से स्टिक हो जाता है, और जब सिर्फ हम विनेगर डालते हैं तो उसके कारण वो जल्दी से निकल सकता है। ये जो मिक्सचर है ये आप अपने बच्चों को भी, यदि वो स्कूल वगैरह जाते हैं स्कूल बस से, तो उन्हें भी बना के दे सकते हैं ताकि वो अपनी सेफ्टी के लिए रख सकें। और इसके बाद हम इसे कर लेंगे एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन। कई बार स्ट्रेन करने के बाद भी हमारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा थिक हो जाता है, तो आप उसके लिए इसमें थोड़ा सा विनेगर बाद में और ऐड कर सकते हैं, और एक और बार आप इसे स्ट्रेन कर सकते हैं दूसरे स्ट्रेनर की हेल्प से। आपको इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। देन इसके बाद आपको इसे एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर कर लेना। होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। प्लीज लिटरली डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इफ यू लिटरली एंजॉय इट।